राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आयुष छात्रों ने नेक्स्ट परीक्षा के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों ने पुराने बैचों के लिए नेक्स्ट परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई है, जिसमें वे 2023 से पहले के बैचों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इससे कुछ समय पहले कड़े विरोध के कारण MBBS छात्रों के लिए नेक्स्ट के एग्जाम को 2023 बैच तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि आयुष छात्रों को 2018 बैच से ये परीक्षा देनी होगी। उनकी मांग है कि जैसे MBBS की नेक्स्ट परीक्षा रद्द की थी, उनकी भी ये परीक्षा रद्द की जाए। स्टूडेंट का प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। मैं जंतर मंतर पर उपस्थित हूं और यहां पर कुछ डॉक्टर स्टूडेंट जो है सरकार से कुछ लेकर मांगे कर रहे हैं। जानते हैं कि क्या मांगे हैं ये, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या मांगे हैं सरकार के, किस बात का हमारा प्रोटेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के खिलाफ है। जब हमें MBBS के द्वारा मान्यता दी, MBBS के बराबर मान्यता मिलती है, तो जब MBBS वालों के लिए 24 तक कोई नेक्स्ट एग्जाम नहीं है, तो हम लोगों के लिए 21-22 से क्यों स्टार्ट रखते हैं? हम लोगों को भी न्यू रूल है, अगर तो न्यू बैच से स्टार्ट करें, 24 से बैच स्टार्ट करें। एक तो हम लोगों को पहले से बताया नहीं गया था कि नेक्स्ट हम तो आप लोगों का लिया जाएगा। जब हम लोगों को बताया ही नहीं गया, तो फिर हम लोगों के लिए नया रूल बिना बताए कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? दूसरा कंसर्न ये है, एक ऑलरेडी MBBS का या हो या आयुर्वेदा हो या कोई भी आयुष का स्टूडेंट हो, वो ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार होता है। जब तक वो इन लोगों का 5.5 साल का कोर्स होता है, हमेशा एक भास्ट सिलेबस है, उस भास्ट सिलेबस के लिए ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है इतनी सारी। अब उसमें भी फाइनल ईयर में आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करिएगा कि ऑलरेडी आप ये नेक्स्ट की तैयारी करिएगा कि पीजी की तैयारी करिएगा। आप ऐसा कर लो, अगर नेक्स्ट लेना ही है तो आप नेक्स्ट लेकर के पीजी का एग्जाम हटा दो, हम नेक्स्ट दे देंगे। डर नहीं रहे किसी एग्जाम से? आप यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट ले रहे हैं, फिर एक बार पीजी एग्जाम, तीन एग्जाम थोड़ी होता है। हम नीट एग्जाम जो है ये कब से लागू कर रही है गवर्नमेंट? आयुष वालों के लिए 20 पैसे कर रही है, जबकि MBBS वालों के लिए 24 पैसे है, क्योंकि वो न्यू रूल न्यू बैच से स्टार्ट हो रही है। तो फिर आयुष के लिए न्यू रूल न्यू बैच क्यों नहीं है? ये 24 दिसंबर से ये गवर्नमेंट लागू करने जा रही है। ये 24 बैच जो 2024 बैच जो है ना, वहाँ से हम लोग 2020-21 बैच के बैच क्या 20 तक नहीं लगा, 21-22-23 इन तीनों बैच को के लिए लग रहा है अभी वापस से। नया बच्चा तो आ रहा, तो उनके लिए तो ऑलरेडी वो प्रिपेयर होकर के आ रहा है कि उनको नेक्स्ट देना ही है। अगर आप न्यू रूल लाए हैं तो फिर न्यू बैच लाए ना, पुराने बैच को बिना बताए आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं पुराने बैच पर? आयुष में कौन कौन से आते हैं डिपार्टमेंट? आयुष में जो है जनरली जो आते हैं आयुर्वेदा हो गए, होम्योपैथ आ गए, यूनानी हो गई, क्योंकि सिद्धा हो गई, BNYS आ गई, ये सारे बहुत सारे 5-6 ब्रांचेस है, जिनमें से वो सारे का एक लेवल का सेम कोर्स होता है जो MBBS के बराबर ही होता है। और हालांकि MBBS से ज़्यादा ही भारत सिलेबस होता है आयुष वालों का, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा होता है। एक तो नेचुरल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा पुरानी पद्धति पे, और एक न्यू सब्जेक्ट मॉडर्न सब्जेक्ट जिसको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनको मॉडर्न नहीं पढ़ना पड़ता, मॉडर्न का भी 50% सिलेबस पढ़ना पड़ता है, और ओल्ड मेडिसिन के बारे में बेसिकली आयुर्वेदिक यूनानी ये सब तरह के जो डॉक्टर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं। वही स्टूडेंट है और ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं। वो गवर्नमेंट से क्या मांगे मैं आपसे? गवर्नमेंट से मांगे हैं कि अगर नेक्स्ट बैच आप नेक्स्ट एग्जाम लेना ही चाहते हैं, तो आप न्यू बैच से लाइए। अगर न्यू रूल आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो न्यू बैच से इम्प्लीमेंट करिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी, अभी बोल रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि ये जो हम MBBS है और आयुष है, ये दोनों को सेम दर्जा देते हैं। अगर सेम दर्जा है तो जब उनके लिए 2024 से नेक्स्ट हो रहा है, तो हमारे लिए भी 2024 से नेक्स्ट लीजिए। ऐसा नहीं है कि एडमिशन हुआ था 21 बैच में, कुछ बोला नहीं गया था उस वक्त, तो उसमें जो NCERT में गैजेट था उसमें कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है, तो उसमें अगर एग्जाम नहीं है तो बच्चा माइंड प्रिपेयर नहीं कि मेरा कोई एग्जाम नहीं आ गया है। तो जब आपका एडमिशन ले रहे हो उसमें जो गैजेट है उसमें होना चाहिए ना कि मेंशन होना कि एग्जाम होगा आपके बाद, पहले से नहीं है। 3 साल बाद बोल रहे हैं कि एग्जाम है। अब 3 साल बच्चे पढ़ाई कर ली, उस हिसाब से उसने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, तो प्रॉब्लम मेरी नहीं है कि अगर 21 बैच से MBBS में था वो पोस्टपोन करके 24 बैच से हो गया है। अच्छा। तो हमारा तो 21 बैच में गैजेट ही आया था नेक्स्ट का, उनका 19 बैच में आया था, तो उनका 21 से 24 हो गया, हमारा तो 21 में ही आया, तो हमारा 24 क्यों नहीं हो रहा है? बस हमारा ये है कि न्यू रूल न्यू बैच से लागू होनी चाहिए, हमसे नहीं। अगर हमको बराबर के हक दे रहे हैं तो फिर बराबरी का हक पूरा सही तरीके से दीजिए। ऐसा नहीं है कि सही तरीके से आप बराबरी का हक नहीं दे रहे, आप उनके लिए कुछ अलग दिखा रहे हैं, हमारे लिए कुछ अलग कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ बराबरी की नज़र से देखा जाए। पूरे देश भर से आयुष के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा प्रदर्शन है। मैं इन लोगों से जानना चाहती हूँ, सर
सबसे पहले आपसे बात करूंगी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मृत्युंजय कुमार। क्या प्रोटेस्ट है इसके बारे में? प्रोटेस्ट ये है मैम, जो मोदी जी ने एक बार कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारा MBBS की जैसे ही हम समानता देंगे, इक्विलिटी देंगे BAMS छात्रों, आयुष के छात्रों को भी, तो उस टाइम में लोग काफ़ी खुश हुआ और उसी के वजह से हमने भी जो है सो आयुष में एडमिशन ले लिया। जब हम एडमिशन लिए तो वो सेशन था 2021-22, उस टाइम में नेक्स्ट एग्जाम की कोई चर्चा नहीं थी, ना मिनिस्ट्री की तरफ से थी, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से थी। हमने एडमिशन लेने के बाद 2023 में, जब हमने 21 में एडमिशन ली, 2023 में ये इन्होंने नया रूल ला दिया जो नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, उस नेक्स्ट एग्जाम जो देना होगा उसमें कुछ बैच जो है 18 से लेके 20 बैच तक के जो बच्चे प्रोटेस्ट किए स्टूडेंट, उनको उन्होंने रिलीफ दे दिया, लेकिन 21 से 23 बैच वाले को उन्होंने, आयुष के स्टूडेंट को कोई रिलीफ नहीं दिया। जब आप न्यू रूल लाए हैं 2023 में, तो 2021 के स्टूडेंट्स, आयुष स्टूडेंट को 22 के स्टूडेंट पे आप कैसे थोप सकते हैं और 23 के स्टूडेंट पे? मामला यही है कि नेक्स्ट एग्जाम जो है वो ना हो। दूसरी चीज़ ये होती है, जो जब हमको उस ढंग की इंफ्रास्ट्रक्चर मिल नहीं रही है, हमें पहले सी चीज़ से मेंटली प्रिपेयर्ड हम नहीं थे, जो बैक के जो सीनियर स्टूडेंट है वो 10-10, 8-8 साल में जो है सो क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद भी आयुष में अगर नेक्स्ट एग्जाम लगा दिया जाएगा, अब मान लीजिए मैंने एडमिशन उस शर्त पे लिया जो कोई एज उन्होंने समाप्त कर दिया, आयुष के स्टूडेंट और नीट के MBBS के लिए एज समाप्त कर दिया, हमारी एज आज प्रेजेंट टाइम में 52 ईयर्स, मैंने जब एडमिशन लिया उस टाइम में कोई नेक्स्ट किसी भी चीज़ की जिक्र नहीं थी, मैंने एडमिशन ले लिया नीट क्वालिफाई करके, ठीक है। अब अगर मैं 55 साल 58 साल में अगर मैं पास करूंगा, नहीं होता है, और फिर मुझे नेक्स्ट देना पड़ेगा, तो ये अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है, और हमारे जितने भी कलीग हैं उन सारे लोगों के लिए अन्याय है, समझे ना। हमारा जो है सो अलग चीज़ है, जो हम ज़्यादा उम्र में किए, क्यों किए, क्योंकि ये चीज़ नहीं थी उस टाइम में जब हमने एडमिशन लिया, उसके 3 साल बाद आप लागू कर रहे हो इस चीज़ को, तो हम उस चीज़ से क्यों सफ़र करेंगे? आप प्रिपेयर नहीं है इस एग्जाम, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, हमारे जितने भी कलीग हैं सारे मेंटली डिस्टर्ब हैं इसको लेकर के, समझे ना। तो इसको किसी भी हाल में सरकार को और मिनिस्ट्री को इसको अगर लागू करना है तो न्यू बैच से लागू करें जो 2024-25 सेशन से है, या उसको भी एक्सटेंड कर सकता है गवर्नमेंट चाहे तो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके गवर्नमेंट जो है सो एक्सटेंड कर सकता है। आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप लोग क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? ये आयुष जो आयुष मंत्रालय और गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो ये नेक्स्ट एग्जाम हम लोगों में लगा है, उससे हम लोग की मांग है कि हम लोग को न्याय मिले और ये नेक्स्ट एग्जाम कैंसिल हो, आगे के लिए इसको पोस्टपोन किया जाए, जो नए सत्र से जैसे 2024 से अभी लागू किया जाए, 24 और 25 के जो नए सत्र आने वाले 2023 में, आप दिसंबर में फर्स्ट पब्लिक जो डोमेन में डालते हैं नोटिफिकेशन, जब आपने फर्स्ट पहली बार पब्लिक डोमेन में दिसंबर में डाला था 2023 के, तो स्वाभाविक से बात है आपको 2024 के जो नए सत्र आ रही है उनसे शुरुआत करनी चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास में पूरे नियम होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, एक पन्ना लिख के उसमें दिखा होता है कि सारी चीज़ आपको ये फॉलो करनी है, ये चीज आप पे लगेगी। तो जब हमने एडमिशन लिया था 2021 के बच्चों ने, तब तो ये चीज हमारे सामने नहीं रखी गई थी, तो हमें अंधकार में रखते हुए ये कार्य किया गया है। आप 2023 में, अब अचानक से 2023 में आप नोटिस निकाल के बोलते हैं कि अरे आप पे नेक्स्ट का एग्जाम लगा दिया जाएगा, तो ये तो हमारे साथ अन्याय है ना। हम ऑलरेडी नीट का सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है, 18 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे, हम उनके वो एग्जाम दे करके 25 लाख बच्चे, हम वो एग्जाम फाइट करके हम यहाँ पे आए हैं। अब हमारी एलिजिबिलिटी आपने ऑलरेडी चेक करिए, कॉलेज हमारी एलिजिबिलिटी बार बार चेक करती है एग्जाम्स ले लेकर के, अभी आपने ये कॉलेज पे भी आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी है जो 2022 में ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के मुखिया हैं, वो ट्वीट करके कहते हैं कि सारी पैथी बराबर, तो भाई ये संदेश कहाँ से बराबरी का जाता है? जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया सारी पैथी बराबर, तो जब पैथी बराबर तो नियम और अधिकारों में समानता क्यों नहीं? हमारा ये बहुत बड़ा प्रश्न है उनसे। MBBS के बच्चों ने भी ये प्रोटेस्ट किया था, आपने उनका सुन के आपने उनको 24 तक के हटा दिया, तो जब आयुष के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, सेम चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया, तो आपने 20 तक के राहत दे के 21, 22 और 23 बैच को कैसे लगा दिया? हमारा ये बहुत बड़ा उनसे क्वेश्चन है।
हमारा एक ही मांग है उनसे कि नया रूल आया है, आप नए बच्चे 2024 से आएंगे, नए सत्र से लगाइए और उनको उस तरीके से आप प्रिपेयर भी करवाइए। धन्यवाद। तो ये थे आयुष के स्टूडेंट जिनको आपने सुना, और इनका मानना है और इनका कहना है कि जो नया सत्र आएगा और जो नए बैच के स्टूडेंट्स आएंगे उनको ये नेक्स्ट जो है बैच, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उस समय से लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन राधे के साथ मैं आरती राय, A1 TV दिल्ली।